हर वक्त जिक्र भी कर, वो खरीदो फरोह में भी कर, उसके बाद उसके साथ पेड़ भी लगाया है, बच्चे भी दिए, बीवी भी दिए। अब इंसान सोचता है मैं हर वक्त काम करूँ या जिक्र करूँ, ये सोचता है ना। और नहीं, तू काम कर, तो जो इस बॉडी को काम के लिए भेजा, वो जो तेरे अंदर इंसान बना उसको जिक्र के लिए भेजा, नहीं समझे? हाँ, तू अपने काम में लग रहे ना, एक दफा उसको सिखा दे ना, तू जिसे बच्चों को सिखाता है उसको भी सिखा दे, बस तू सोते रहना वो अपने अल्लाह लग, उसका फिर और कोई काम ही को नहीं है ना, उसका फिर यही काम हर 24 घंटे अल्लाह अल्लाह, उसको नींद तो आती को नहीं है ना, फिर हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहेगा और तू अपने काम काज करते रहना। तो अब तुम्हारी नमाजें सही करने के लिए, अंदर को इंसान को जगाने के लिए ये इल्म रूहानियत है, ये किसी किसी को मिलता था, ये लोग जंगलों में जाते थे फिर जाके ये चीज़ हासिल होती थी। जितने वलियों के तारीखें देखें सब जंगलों में गए, ये चीज़ें हासिल करी ना। अब जंगलों में जाने वाला कोई भी नहीं है ना भाई, इतने बैठे हैं कोई है जाने वाला जंगल में? एक भी नहीं है ना, और लाखों में भी एक नहीं है ना। तो फिर अल्लाह ताला मजबूरी उस इलम को शहर में ले आया कि चलो ठीक है तुम जंगलों में ना आओ, हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। वो इलम घरों में जो जंगलों में सीखा जाता था, अब घरों में शहरों में सिखाया जा रहा है ना। तो फिर भी अगर कोई उसको हासिल ना करे तो बदनसीब हो जाए। अब इसमें कोई फिरका परस्ती नहीं है, सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, कोई भी हो, हमें से क्या, जब तुम्हारे अंदर अल्लाह चला जाएगा ना, तुम्हारे अंदर नूर हो जाएगा ना, जिस तरह मैग्नेट पहाड़ है मगरब की तरफ है, इधर कुतुब नमा है, जिस शहर में लेके जाओ उसकी नस्बत है उसका रुख उधर ही होगा ना। और जब तुम्हारे अंदर नूर आ गया ना, तो तुम जिस फिरके में भी होगे तुम्हारा रुख उधर ही होगा ना। तो जब तुम्हारा रुख उसकी तरफ हो गया तो फिर जिधर वो उधर तुम खुद बखुद ही हो गए ना। अब सिरात मुस्तकीम पहचानने का राज यही रह गया बस, वरना बातों बातों में, मसलों में, खुतबों में अब सिरात मुस्तकीम नहीं मिलता। आप देवबंदी सुन्नी का झगड़ा, शिया सुन्नी का झगड़ा, इन दोनों आलमों को बिठा दो ना, सारी उम्र गुजर जाएगी, ना वो जीतेगा ये, ना ये जीतेगा, तो तुम क्या करोगे? अब इस वक्त ज़रूरी है कि तुम बराह रास्त उस नूर के ज़रिए जिसने मखलूक बनाई है, जिसने मज़हब बनाए, उससे तुम रब्ता करो। अब उसका अपना मज़हब तय को नहीं है ना, कि तुम उस मज़हब के ज़रिए उस तक पहुँचो। भाई अगर वो जैसे बंदे देखता है वैसे उसके ऊपर कानून बना देता है, वो मज़हब बन गया, तौरात में कोई और मज़हब है, ज़बूर में कोई और मज़हब है, अंजील में कुछ और मज़हब है, और कुरान में कुछ और मज़हब है, फिर उसका अपना मज़हब क्या? भाई फिर बताओ उसका मज़हब क्या, ताकि हम उसके मज़हब की तरफ जाएं। उसका मज़हब इश्क है। जब कोई उस आशिक बन जाता है, आशिक नूर से बनेगा, वो उससे वासिल हो जाता है, तो फिर जिधर वो उधर वो, फिर जिस उसका मजहब नहीं है लेकिन जिस मजहब के ऊपर फिर मेहरबान होगा वो शख्स, उस मजहब में खुद खुद ही चला जाएगा ना। तो अब उसके लिए जरूरी है कि बस ये टेलीफोन, नूरी टेलीफोन के लिए उससे रब्ता करो। इस वक्त पहले होते थे आलम, होते थे सही बात बताते थे, एक अरसा हो गया हमारे जितने भी आलम है ना, कोई 2-4 हैं वो भी अलग छुपे हुए रुपोश हैं, उनको ये हमारे आलम पागल कहते हैं। अब जब आलमों में हेरा फिरी आ गई, सुबह और कहते हैं, शाम और कहते हैं, आवाम उनसे मुतनफर होगी, फिर आवाम ने पीरों की तरफ रुख किया। जब पीरों की तरफ रुख किया तो कोई एक दो ही कामल थे ना, बाकी वो गदियों वाले, कोई वजीफों वाले, तो कोई तावीज देने वाले, वो सारे पीर बने हुए ना। फिर आवाम को वहाँ से भी रास्ता नहीं मिला ना। उसी वक्त फिर अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ये तेरे सादा लोग बंदे किधर जाएँ, दरवेशी भी है यारी तो सुल्तानी भी है यारी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, आप तुम उलमा से भी मशकूक को छोड़ दो, तुम पीरों से भी मशकूक को, उनको भी छोड़ दो, मुझसे बुरे रास्त तलक पैदा करो। अल्लाह, वो बुरे रास्त तलक इस नूर से होगा, बस नूर पैदा करो, मुझसे तुम्हारा तलक हो जाएगा। और तलक कैसे होगा? एक तो नूरी टेलीफोन वहाँ पहुँच गया, दूसरा तुम्हारे दिल में कोई चीज़ बस जाए, उसे मोहब्बत हो जाएगी ना। जी, कोई भी चीज़ बस जाए, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो गया तो तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत होगी।
खुद बहुत मोहब्बत हो गई। तुम नहीं कहना मुझसे अल्लाह से मोहब्बत, अगर तुमने जबान से कहा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ तो तुम मकार हो, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तू क्यों कहता मैं मोहब्बत करता हूँ, मकार है ना, मोहब्बत हो जाती है ना। जब दिल में 24 घंटे अल्लाह शुरू हो जाएगी तो अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी फिर अल्लाह किसी का एहसान लेता ही नहीं है, उसमें ये उसके लिए 1 रुपया खर्च करो 10 रुपये लौटा देते हैं। भाई अगर एहसान जतलाए तो क्यों वापस करें, वो 10 गुना ज़्यादा वापस कर दे ताकि एहसान की गुंजाइश ना रहे। एक नेकी करो 10 नेकियों को सवाब दे देता है, और थोड़ी सी मोहब्बत करो 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। फिर जिससे मोहब्बत करता है उसको फिर एक दिन देखता है, सरसरी नहीं देखता, बड़े प्यार से देखता है। जब अल्लाह ने प्यार से देख लिया, मोहब्बत का नामो निशान खत्म हो गया, अब इश्क रह आ गया। जब इश्क आ गया फिर तू मेरा और मैं तेरा, अल्लाह को पाने का ये राज है, इसका तरीका। रोजाना 66 मरतबा कागज के ऊपर अल्लाह लिखो। फजर की नमाज के वक्त अच्छा वक्त है, वरना वक्त जो भी आपको मयसर आए, अगर आपको फुर्सत है तो दिन में कई बार लिखो 66 मरतबा, लेकिन जब लिखो 66 मरतबा लिखो, उसके बाद हाथ उठाओ, ये एक अमल बन जाएगा। आप किसी भी चीज़ को गौर से देखें वो आपकी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगी। मैं पहली दफ़ा पंजाब से गांव का सफ़र किया रावलपिंडी का, तो एक पुरानी सी कार थी जो 30-35 मील से ऊपर चल ही नहीं सकती थी, और दिन रात सफ़र करते को तीसरे दिन जाके गांव में पहुंचा। जब सोया ना तो 2 दिन मुझे वो सड़कें नज़र आती, जब भी सोता वो सड़कें नज़र आती, क्योंकि सड़कों को देखता रहा ना 2-3 दिन। इसी तरह जब तुम लफ्ज अल्लाह को देखते रहोगे ना तो वो अल्लाह तुम्हारी आंखों में आ जाएगा, उसका तस्वर तुम्हारी आंखों में आ जाएगा। जब अल्लाह का तस्वर आंखों में आ जाए तो फिर लिखना बंद कर दें, आंखों से फिर तवज्जो से उसको दिल के ऊपर उतारने की कोशिश करें। अगर अल्लाह ने चाह जो आप कागज़ पे लिखते थे ना वो आंखों पे तय कागज़ पे लिखते थे ना वो दिल पे लिखा नज़र आएगा ना, वो दिल पे चला जाएगा ना। जब दिल पे जाएगा काला सा जाएगा जैसा लिखते थे, फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, टिक 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 टिक, उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाए, फिर अल्लाह के रगड़े से जब नूर बनेगा तो वो काला सा था फिर वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा नूर से, फिर जब सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा तो एक दिन बिल्कुल सूरज की तरह चमक रहा होगा। उस तक उस वक्त तुम बेखौफ हो जाना, कब्र से भी नहीं डरना, बड़ी शान शौकों से कब्र में चले जाना। फरिश्ते आएंगे, सबसे पहले पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, पहला सवाल यही है। खामोश, सताना नहीं जवाब देना उसको, और फिर पूछेंगे बताता क्यों नहीं तेरा रब कौन है, खामोश। तीसरी दफा फिर पूछेंगे गुंगा तो नहीं बता तेरा रब कौन है, और कफन कफन को पीछे हटाना, और अल्लाह लिखा हुआ देख। उनको जरूरत नहीं हो तुमको दूसरा सवाल तुमसे पूछे, कहेंगे सलाम अलैकुम हम जा रहे हैं, तू जान तेरा रब जा रहे हैं। ये लोग हैं जिनके लिए गौस पाक ने 70 मरतबा वादा लिया कि मेरा मरीज ईमान के बगैर नहीं जाएगा। और ये जिनके दिलों में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाता है ना वो गौस पाक के मरीज हो जाते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह अल्लाह उनकी ज़िंदगी में शुरू हुआ वो उनके असली मरीज। ज़िंदगी के बाद किसी भी तरीके से अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाए, अल्लाह लिखा जाए, वो गौस पाक के दाखिली मरीज हो जाते हैं ना। तो तभी आपने फरमाया मरीदों के लिए कहा क्या, मेरे मरीद तू बेखौफ हो जा, मेरा हाथ बहुत बड़ा। और मरीदों के लिए कहा 70 मरतबा मरीदों से, मरीदों के लिए अल्लाह से वादा लिया। आपने कहा मेरा मरीद कौन होगा, मेरा मरीद वही होगा जो जाकिर होगा। फिर फरमाया मैं जाकिर उसको मानता हूँ जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, वरना जुबानी तौर पे तो तोता भी अल्लाह अल्लाह कर लेता है, अगर तोता अल्लाह अल्लाह करे क्या वो गौस पाक का मरीद हो जाएगा? नहीं। जब गौस पाक का मरीद हो गया तो फिर वो एक ही है, हजूर पाक भी एक ही है, तो गौस पाक भी है, सारे वली एक है ना। इधर कहते हैं नक्शबंदी है, चश्ती है, कादरी है, सरवर्दी, इधर कहते हैं ना, उधर कहना तो जुर्म है ना, उधर सारे ही अल्लाह के दोस्त हैं ना, सारे ही की जिस्म के बाल हैं, जिसको भी खींचे पूरे जिस्म को तकलीफ होगी ना।
रात को सोने लगे इस उंगली को कलम ख्याल करें, तसव्वुर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए। आदमी की फितरत है, रात को सोता है, कुछ सोचता है तब उसको नींद आती है। बाज़ लोग सिर्फ नींद लाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो सुबह वो काम तो नहीं होता ना जो रात को सोचा था। अगर वो अल्लाह पढ़ता पढ़ता सो जाए, इसी के तस्वर में सो जाए, हो सकता है सारी रात अल्लाह ताला उसकी बात में शामिल कर दे। क्योंकि सोते वक्त जो नीयत होती है, ख्वाब में भी कुछ होता है। अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह करते रहे, और जो काम सोचने से नहीं हुआ था, हो सकता है अल्लाह ताला बगैर सोचे कि उसका वो काम कर दे। जब आदमी सोता है आधी रात, इस दुनिया में फरिश्ते आते हैं, करामन कातबीन से पूछते हैं हर आदमी के बारे में, बताओ इसका आखिरी अमल क्या था जब ये सोने लगा था, पता नहीं सुबह इसकी जान है या नहीं। भाई ये ईशा की नमाज़ पढ़ के सोया था, दुआ देते हैं अल्लाह ताला इसको खुश रखे, और ये दुरूशी पढ़ के सोया था, अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे, और ये आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया था, अच्छा आयतुल कुर्सी की लाज रखना और इसकी हिफाज़त करना, और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी की मस्ती में सो गया था। वो कहते हैं खामोश आस्था बात करो, शायद उसकी याद में आँख लग गई हो। सुबह उठे वजू है या नहीं, परवाह नहीं, यहाँ से ऑफिस जा रहे हैं, काम है, भले वजू नहीं है, और दिल का वजू पानी से कैसे होगा, वो सारा दिन पानी में पड़े रहो, पानी दिल में जाएगा नहीं। जिक्र खफी करते रहें, जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिलता उसको जिक्र खफी कहते हैं। जब दिल की धड़कन से मिल जाता है वो तुम्हारा तरीकत में पहला कदम है, उसको जिक्र कल्बी कहते हैं। शरीयत का तलक किस जबान से है, जब तुम्हारे दिल ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी तो वो तरीकत है क्या ना, तो फिर जब वो अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह तक पहुंच जाता है तो फिर वो हकीकत है ना। हकीकत का तलक इन नज़रों से है, तो फिर जब अल्लाह ताला उसको कोई मर्तबा दे देता है तो ये मार्फत है ना। अभी तुम शरीयत में लगे हुए हो, शरीयत के बाद तरीकत है, फिर हकीकत है, फिर मार्फत है। हदीस में कि किसी मोमिन का किसी मकाम पर रुक जाना हराम है। अगर तूने शरीयत सीख ली तो आगे जाना, भाई दुनियावी तालीम के लिए तो पाँचवीं पढ़ लेता है, फिर आठवीं में जाता है, फिर दसवीं में जाता है, तो इसके लिए तू आगे क्यों नहीं जाता है? वो तरक्की के लिए जाता है, दुनियावी तरक्की के लिए, तो अल्लाह की तरक्की के लिए क्यों नहीं जाता है? अगर तेरी जबान अल्लाह अल्लाह करती है, फिर दिल को अल्लाह अल्लाह सिखा, अगर दिल ने भी अल्लाह अल्लाह सीख लिया, फिर जिसने तुझे बनाया उसको जाके देख ना, फिर जब उसको देखेगा तो तुझे खुद खुद ही कुछ नमाज देगा ना। अब यहाँ हमारे उलमा क्या कहते हैं कि सब कुछ शरीयत में कहते हैं ना, कहते हैं तरीकत हकीकत मार्फत सब कुछ शरीयत में। हम कहते हैं जब सब कुछ शरीयत में है तो शरीयत हमने सारी सीख ली है ना, तो सब सारी सीखते हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। शरीयत हमने सारी सीख ली है, सुनते हैं सारी अपना लिए, अब हम में तो हुजूर पाक में क्या फ़र्क रहा। अगर बताया जाता इससे आगे रास्ता भी है, वो तभी इलामा इकबाल ने फरमाया ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहा और भी हैं। अगर शरीयत में तो तरीकत में जा, फिर हकीकत मार, और ये जो राज खोलेगा ना इस कलब से खुलेगा, इस नूर से खुलेगा, और नूर जो है ना वो अल्लाह के रगड़े से बनेगा। तुम जुबान से सारी उम्र नूर जो बनेगा बात, तस्वीर सारी उम्र लगे रहो, जो नूर बनेगा उंगलियों में, जब तक रूह तक नूर नहीं पहुंचेगा ना तो तुम्हारे को कोई मंजिल का पता नहीं चलेगा। अल्लाह तक तुम नहीं पहुंच सकते, सिर्फ हुजूर पाक पहुंचे इस जिस्म समेत, तुम फिर कैसे पहुंच सकोगे? अगर तुम पहुंच जाओ अल्लाह तक तो तुम में तो हुजूर पाक में क्या फ़र्क रहा? तुम जिस्म से नहीं पहुँच सकते, तुम उन रूहों के जरिए अल्लाह तक पहुँच सकते हो। जब वो रूहें ताकत पकड़ती हैं, एक रूह यहाँ है दिमाग में, उसका नाम अन्ना है, जब याहू का जिक्र करती है, याहू की गर्मी से उसमें नूर आता है, वो सख्त जलाली नूर होता है, अल्लाह से भी जलाली नूर होता है जो इस दिमाग में होता है याहू। फिर वो आदमी सोचता है देखूं अल्लाह क्या कर रहा है, फिर वो यहाँ सोचता है, फिर ये मखलूक निकलती है, बिजली की स्पीड एक सेकेंड में 192,000 मील है, बिजली की स्पीड, तो ये जो नूर है इसकी स्पीड एक सेकेंड में 6 करोड़ मील, वो जो नूर है। तो तुमने सोचा देखें ऊपर क्या करा है अल्लाह, वो यहां से निकली और सीधी अल्लाह तक पहुंच गई ना, फरिश्तों ने रोका नहीं, रुकी
कहने लगे चलो जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा, वहाँ तो फरिश्ते ही नहीं जा सकते, ये वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ अल्लाह की ज़ात है। ज़ाहरी जिस्म से हजूर पाक और इन मखलूकों से वली वहाँ पहुँचते हैं ना। तो सुना हो गया ना, हज़रत इमाम हनीफा ने कहा मैंने 99 दफ़ा अल्लाह को देखा, सुना होगा ना। इब्राहिम बिन औदम ने कहा मैंने 70 मरतबा अल्लाह का दीदार किया। सुल्तान साहब फरमाते हैं जब चाहूँ अल्लाह को देख ले तो कहते हैं ना, वो झूठ तो नहीं बोलते हैं ना, वली है ना। ये चीज़ वहाँ पहुँचती है, फिर जब ये मखलूक वहाँ पहुँचती है फिर अल्लाह ताला इसको बड़े प्यार से देखता है। वो कहाँ थी, कितने दूर थी, वो नबी बनी इसराइल के नबी यहाँ तक नहीं पहुँच सके और ये यहाँ पहुँच गया। वो नबी क्यों नहीं पहुँच सके, उनमें सिफाती नूर है, सिफाती नूर ज़ात की ताब नहीं ला सकता, बेहोश हो जाता है। हजूर पाक में ज़ाती नूर था, ज़ात ज़ात के सामने मुस्कराया और वो ज़ाती नूर इसमें आया, इस उम्मत में आया, इस उम्मत के जरिए ये वहाँ अल्लाह तक पहुँचा। फिर अल्लाह ने बड़े प्यार से देखा, एक दूसरे को प्यार से देखा, फिर अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे देख लूँ तू मुझे देख लो। फिर एक दूसरे को प्यार से देखा, फिर अल्लाह का नक्शा उसकी आंखों के जरिए उसके दिल में आया जो दुनिया में है, उसका दिल से कनेक्शन है ना। फिर उस वक्त अल्लाह ने फरमाया अब तू नीचे चला जा, अब जिसने जिससे जिसने तुझे देखा उसने मुझे देखा, जिसने तुझे देख लिया उसने मुझे देख लिया। तो ये कमाल इन मखलूकों का है जिनको तुम गजा देते ही नहीं हो। अल्लाह ताला फरमाता है एक मखलूक है जिसको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, और तेरे अंदर मखलूक है तू भी नहीं जानता, जिसके पास है वो भी नहीं जानता। और यही मखलूक है जब ये जिस्म से निकलती है और नूरी नन्हे नन्हे हाथों नूरी हाथों से जब दुआ मांगती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। हर उम्मत को अल्लाह ताला ने अपने तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई जरिया दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत या रहमानों का जिक्र करती है, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत या कद्दूसों का, सुलेमान अलैहिस्सलाम या वाहबों का, दाऊद अलैहिस्सलाम या वदूदों का, वो सारे सिफाती इस्म थे, उनमें भी जो नूर आया सिफाती नूर आया ना। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है। कहने लगे किसी में ताब होगी, जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मैं नबी हो के उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए, हजूर पाक सामने जाके मुस्कुरा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में या रहमानों का सिफाती नूर था, वो ज़ात की ताब न ला सके। हजूर पाक के जिस्म मुबारक में इसमें ज़ात का ज़ाती नूर था, ज़ात ज़ात के सामने मुस्कुराए। हजूर पाक के तुफैल वो इसम इस उम्मत को मिला तब इसको फजीलत हुई। अगर तुमको फजीलत है इसमें ज़ात से है, अगर दीदार है इसमें ज़ात से है। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे ए अल्लाह मुझे भी बड़ा शौक है तुझे देखने का। अल्लाह ने फरमाया तूने मूसा का हाल नहीं देखा, मूसा का हाल देखो हुआ था, वो सहम गए। अच्छा फिर तुझे कैसे मैं देखूं, मुझे तो बहुत शौक है कि इसको देखना बड़ा दूर की बात है, कोई देखेगा एक मेरा हबीब देखेगा और उसकी उम्मत देखेगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह मैं अपनी नबूवत को छोड़ता हूँ, मुझे ऊपर ही उठा, मुझे दीदार कराना। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया, दुआ मंजूर कर ली, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे भेजेगा, फिर कहेगा मेहदी से बैत हो मेरा उम्मती बन, इसमें जात ले फिर तुझको दीदार कराऊंगा। यही सुना होगा ना, तो मेहदी अलैहिस्सलाम से बैत हो क्यों होंगे, नबी होंगे इसमें जात के लिए, वरना नबी को जरूरत नहीं है किसी से जाके बैत होने की, सिर्फ इसमें जात के लिए और उसके दीदार के लिए। वो चीज़ तुमको हासिल हुई है, तुमने तो उसको ठुकराया हुआ है ना, और इसके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है। नमाज के लिए फिर भी पाबंदी है, अगर तू नशे में शराब पीता मत नमाज पढ़, है ना कुरान मजीद में, बहुत से लोग शराबी हैं, यहाँ भी बैठे होंगे, वो इसी चीज़ से नमाज नहीं पढ़ते कि हम शराबी हैं। बहुत से जुआरी हैं, बहुत से जानी हैं, बहुत से हराम खाते हैं,
वो कहते हैं हमने नमाज पढ़ ली तो उसका फायदा हमको क्या होगा, यही कहते हैं ना। हाँ, खाम टक नहीं, हम मारेंगे ना जाके। रिज़्क़ हलाल जो अंदर नहीं है तो इसके लिए तो शर्त ही नहीं है। इस मिजाज के लिए अल्लाह ताला फरमा तू जैसा भी करता है, शराब है शराब पीता रहे, गुनाह है गुनाह करता रहे, रिज़्क़ हराम खाता खाता रहे, अल्लाह भी करता रहे। जो जो अल्लाह अल्लाह अंदर जाता जाएगा ना तेरा हराम निकलता जाएगा ना। अल्लाह भाई और छुटकारा नहीं है तुझसे। और जो जो अल्लाह जाएगा, शराब पीता है शराब भी चली जाएगी, गुनाह है वो भी सारे निकल जाएंगे ना। एक शख्स था अपना, उसने बहुत शराब पीता था, बचपन से शराब पीता था, इतना आदी हो गया कि शराब पानी की तरह पीता, पानी की जगह। एक दिन उसने किताब पढ़ ली कि मरने के बाद क्या होगा। वो एक किताब लिखी है किसने, जिसमें डराया गया है दोज़ख का अज़ाब करा कि मरने के बाद क्या होगा। किताब पढ़ी, उसको खौफ हो गया। आप मस्जिद में गया कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, मौलवी ने कहा पहले शराब छोड़। उसने शराब तो छूटती नहीं है, कहता मैंने बड़ी कोशिश करी शराब छोड़ूं लेकिन नहीं छूटी। मौलवी ने कहा बिल्कुल नमाज के नज़दीक मत जाना जब तक तू शराब पीता। जब मायूस हो गया कि शराब मुझसे छूटती नहीं है तो फिर वो इधर आ गया। कोई रास्ता बताओ, मैं है रास्ता है गुनहगारों के लिए, ये रास्ता ही कि वो कैसे, ये अल्लाह लग करो तरीका सिखाते हैं कि शराब पियो खूब खूब पियो, पहले से ज़्यादा पियो। कहना गुनाह होगा नहीं, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। उसने क्या किया कि शराब भी पीता रहा और जो तरीका अल्लाह को बताया था वो भी करता रहा। वो 20 दिन या 25 दिन उस बाद उसकी बीवी आई, कहने लगी अब जब भी शराब पीता है अब उसको उल्टी हो जाती है। अल्लाह चला गया ना अंदर, अब अल्लाह वो कहते शराब क्या करे जाके, पीते जरूर है आदत के तौर पे लेकिन उसको उल्टी हो जाती है। फिर बाद में 2-3 महीने बाद आया तो छोटी छोटी दाढ़ी भी थी तो हमारे साथ उसे नमाज भी पढ़ी। अब अजमन का बेहतरीन रुकन है। एक और शख्स था वो लाला कसाई, वो जितनी भी कमाई करता ना रोज जब तक वो सिनेमा देखता ना वो खाना नहीं खाता था, उसकी आदत में था। अब उसने जिक्र भी ले लिया, जिक्र भी करता है सिनेमा भी देखता है। कहने लगा कुछ महीने गुजरा होगा, आस्ता आस्ता दिल उचाट हो गया लेकिन मेरी आदत थी सिनेमे में जाता। अब क्या होता, अब जब फिल्म शुरू हो जाती तो मुझे नींद आ जाती और मुझे पता ही नहीं, उस वक्त पता लगता जब फिल्म ख़त्म हो गई, लेकिन मेरी आदत थी, आदत के तौर पर जाता था। अब मैंने कहा कि अब होशो हवास में रहना चाहिए वरना ये 5-10 रुपये रोज़ ज़ाया होते हैं। कहता फिर मैंने कहा कि चलो आप फिल्म देखते हैं, अपने आप को काबू में रखा, लेकिन ये था अंदर से आवाज़ आई ठीक है फिल्म तू देख लेकिन मुझे भी नहीं छोड़। तू फिल्म बेशक देख लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ना। कहता मैं फिल्म देखा फिर अंदर से आवाज़ आती मुझे भी नहीं छोड़। कहता फिर एक दिन मैंने फिल्म को छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा। फिर अब वो तुम्हारा बेहतरीन मुबल्लिग है ना, अब इसका यही बेहतरीन तरीका, तुम जो भी ऐब करते हो करते रहो, जब तुम्हारे अंदर अल्लाह जाएगा ना वो खुद भूली तुम्हारे ऐब बाहर निकाल देंगे ना। वरना अगर ये भी तुमने दवाई ना ली ना तो फिर ऐब तुम्हारे अंदर से निकलेगी नहीं। यकीन करो तुम बुढ़े भी हो जाओगे ना फिर भी तुम्हारे अंदर वो ऐब मौजूद रहेंगे। सबसे जो बड़ा तुम्हारे अंदर ऐब है, हिर्स है हसद है बुखल है, ये सबसे बड़ा ऐब है ना, गैबत है। ये एक ऐब है, ये बहुत बड़ा ऐब है, ये उन चोरों डाकुओं से भी बड़ा ऐब है। फिर जब ये अल्लाह अल्लाह अंदर जाएगा ना तो अल्लाह अल्लाह सीने को साफ करेगा ना तो वह बाहर निकलेगा ना। एक हदीस में जिसमें ज़रा भी कुबर बुखल है जन्नत के काबिल ही नहीं है। तुम बड़े नमाजें पढ़ते रहो अगर तुम्हारे सीने में कुबर बुखल है जन्नत के काबिल नहीं हो। वो शैतान कितनी नमाजें पढ़ता था कितनी इबादत करता था लेकिन वो कुबर से शैतान हो गया ना। अगर तुम्हारे अंदर कुबर है तो उसमें तुम्हारे में फिर क्या फर्क है। जब तुम्हारे अंदर अल्लाह अल्लाह शुरू होगी ना तो वो कुबर बुखल निकलेगा, तुम्हारा सीना साफ हो जाएगा। फिर वो सीने में कब्र आएगा, नमाज पढ़ोगे कब्र आएगा, नेकी करोगे कब्र आएगा, लेकिन अल्लाह अल्लाह उसको जला देगी तुम्हारा सीना महफूज नहीं रहेगा। ये गुनहगारों के लिए बेहतरीन दवाई है और अल्लाह को पहुंचने के लिए एक बेहतरीन टीका है। इसके लिए जो चाहें जिक्र लें और अपनी किस्मत आजमाएं। ना हम तुमसे कोई पैसे मांगते हैं ना तुमको बैत करते हैं। मैं यूरोप में गया तो मौलवी इकट्ठे हो गए, वो क्यों आया इधर तबलीग के लिए, हम थोड़े थे इधर, तू एक नया पंगा डालने के लिए आ गया। क्या तुझे पैसे चाहिए, नजराने लेगा कि नहीं, बैत करेगा कि नहीं, सियासत के लिए आया कि नहीं, तो फिर क्यों आया। बात भी सही थी ना,
बता दूँ। कोई एक चीज़ बता, पैसे चाहिए या बैल चाहिए, मरीज चाहिए या तुझे सियासत चाहिए, तीनों चीज़ें नहीं चाहिए, फिर तू सही से बता क्यों आया। नहीं कहा, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह और उसके हबीब का हुक्म है कि हमको वो हुक्म दिखा, हम के उसके लिए हम तैयार हैं, वो हुक्म दिखाने के लिए तैयार है। ये जो काम मैंने बताया है तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकता ना, बिल्कुल अल्लाह चाहेगा तो होगा ना। अगर तुम्हारे अंदर ये अल्लाह शुरू होगी तो उसका हुक्म था तभी हुई ना, तो सबूत हो गया ना। अगर किसी का भी अल्लाह लाना है फिर उसका हुक्म नहीं था ना। अल्लाह ताला फरमाता है जिसको चाहूँ हदायत करूँ, जिसको चाहूँ गुमराह कर दूँ। लोग कहते हैं जब चाहूँ नमाज पढ़ लूँ, जब चाहूँ छोड़ दूँ, अल्लाह ने किया क्या कहते हैं ना। नहीं, हदायत नमाजों में नहीं है। अगर नमाजों में हदायत होती तो सारे नमाज एक होते हैं। हदायत इन दाढ़ियों में भी नहीं है, हदायत कलबों में, हदायत जो है वो दिलों में। अगर अल्लाह ने तुमको हदायत दी तो तुम्हारे दिल अल्लाह में लग जाएंगे। अगर उसने हदायत ना दी तो तुम्हारे दिल कभी भी अल्लाह ला नहीं कर सकते। फिर आप जिक्र लें अपनी किस्मत वाले रूहानियत बातें की हैं उसके मुताबिक पूछने, और उसके बाद हमारे में उलमा कहते हैं ये पता नहीं कौन सा नया फ़िरका लेके आ गया, कहते हैं हम जी। अपने सुन्नी आलम वो भी कहते हैं, वो शिया भी कहता है, वहाबी भी कहते, सारे कहते हैं। हमसे पूछते हैं कौन हो, सुन्नी हो नहीं, शिया हो नहीं, वहाबी हो नहीं, कादियानी हो नहीं, फिर क्या उम्मती है। उम्मती क्या होता है कि जिसमें दिल में नूर चला जाए वो उम्मती होता है ना। हजूर पाक ने फरमाया जिसमें नूर है वो मेरा उम्मती है, और जिससे नूर खारिज होना शुरू हो जाता है वो सुन्नी शिया वहाबी बन जाता है ना। तो सर एक सवाल करना है जी, मैंने रावलपिंडी में एक श्री सदर रोड पर आती के कहा था, उसे सुना है देखा नहीं, सिर्फ तस्दीक के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। एक आदमी का रावलपिंडी में लियाकत बाग के रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, और वो अंजुमन से ही वाबस्ता था, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद वो मर गया। मरने के बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, और पोस्टमार्टम में जब उसको मतलब सीना वगैरह वो चीरा गया, तो उसका दिल जो है वो मतलब भड़क रहा था, वो अल्लाह ला कर रहा था। मैं उस किसी का एक थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूँ, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था ये मतलब तमाम लोगों के जहन में ये बात है, वो बात मेरे भी जहन में, लेकिन जब ये कहते हैं कि आदमी अगर डेथ हो जाती है तो जहरे के दिन काम करना छोड़ देता है, ठीक है ना। आदमी अगर दिल काम कर रहा हो, आप देखेंगे अगर वो किसी को डॉक्टर जो है उसके ऊपर दबा रहे होते हैं या मार रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, इसलिए कि दिल जो है पंप करने के बाद चलना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या थी, क्या मुआवजा उसको कह सकते हैं या क्या तरीका? मुआवजा था तुम लोगों को दिखाने के लिए बस, वरना मरने के बाद डेढ़ सेकंड तक ये दिल जोड़ा पंप करता, उसके बाद ख़त्म हो जाता। यही मेरा कहना है, लेकिन कुछ लोगों को इबरत के लिए अल्लाह ताला कभी कभी मौजे दिखाता रहता है। जैसे मुजाहिद का वाक्य, वो भी बिजली के झटके से मरा, तो जब कहते हैं कि उसके बाद में कपड़े वगैरह देखे गए ना, तो उस पर अल्लाह लिखा हुआ था, उसके खून से भाई, वो अल्लाह करता था ना, तो फिर अल्लाह करता रहा ना, मेरा खून अल्लाह बन गया। अब बात ये हो रही थी कि जो उम्मती है उसमें नूर है ना, अब तुमसे नूर निकला तो तुमने उम्मती को छोड़ दिया, सुन्नी बन गया ना, वो शिया बन गया, वहाबी बन गया ना। अगर सुन्नी शिया वहाबी में फिर नूर आ जाए तो फिर उम्मती बन गया ना, अल्लाह तो फिर नहीं कहेगा मैं सुन्नी हूँ मैं शिया हूँ, यही कि उम्मती हूँ बस तुम्हारा यार रसूल अल्लाह। इस वक्त सुन्नी शिया वहाबी जबान से और हैं, अंदर से सारे काले, क्यों जी आपस में लड़ते हैं? सुन्नी सही है, सुन्नी आपस में क्यों लड़ता है? अंदर से काला है ना, ये भी काला वो भी काला, अब सिर्फ जबानों का फ़र्क है बस, अंदर से सारे काले हैं। अल्लाह जबानों को नहीं देखता, वो दिलों को देखता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी के ऊपर बादशाह ने हाथ डालना चाहा, सिर्फ दूर से ही, तो उसका हाथ शैल हो गया, सुना हो गया था ना भाई, सारा ही हाथ उसका शैल हो गया। और क्या वजह है कि आज ये जो मुसलमान बेहतरीन उम्मत है, उनसे भी ज़्यादा बेहतर उम्मत है अल्लाह की नज़रों में, तो यहाँ चीनिया में या कश्मीर में कितनी औरतों की बेहरमती हो रही हैं, किसी का हाथ शैल नहीं होता, क्यों? उनमें अल्लाह का नूर था, उनका लिंक अल्लाह से था, इसका लिंक अल्लाह से कट गया, अब तू जान तो सीख जा रहे।
ورنہ کیا مزہ لے گا تیرے اللہ سے لنک ہو تو تیری مدد کو نہ پہنچے. اب ایسا کریں جن کو ذکر لینا نا آنکھیں بند کر کے نا دل ہی دل میں پڑھیں اللہ. بس جی یہ جو ہوتی ہے نا یہ اجازت ہوتی ہے. جس طرح آپ کو ویزا مل جائے تو بغیر خوف خطر کے پہنچ جائیں گے نہیں جاؤں. تو اگر ویزا نہیں ہے تو اجازت نہیں ہے نا تو چھپتے چھپتے آئیں گے کہیں بھی آپ کو پکڑے جائیں گے نا. اسی طرح اب آپ کو یہ اجازت ہو گئی ہے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے اجازت ہے. آپ اللہ کے رستے میں جا رہے ہیں نا کہیں سے فرشتے روکیں گے تو اجازت نامہ موجود ہے نا. پھر اس رستے میں ڈاکو بھی ہیں نا. ڈاکو کون ہے؟ شیطان ہے نا. جہاں سے اجازت ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے نا. بھائی رستے میں کوئی بھی پیچیدگیاں ہیں جہاں سے اجازت ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے نا. اس رستے میں کیا پیچیدگیاں ہیں؟ جب تم یہ اللہ کرنا چاہو گے اندر بسانا چاہو گے نا تو شیطان سوچے گا یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا تو ساری عمر کے لیے گیا کیونکہ وہاں تو میں ہوتا ہوں. تو پھر اس کے پاس فوج ہے, ہندو فوج, حکم کرے گا جاؤ اس کو برباد کرو, تباہ کرو, کچھ بھی کرو, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس پھر جن بھی نہیں جن کا مقابلہ کرو گے. پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹی, رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹی. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے. اللہ پھر بندہ نہیں بندہ نواز بن گئے, غریب نہیں غریب نواز بن گئے, کیونکہ تمہاری مخلوق خود ہی کام کرنا شروع کر دیں گی نا. اور اس کے لیے ایک اور بات جو ضروری ہے کہ یہ چونکہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ملایا جاتا ہے. بعض آدمیوں کی دھڑکن خاموش ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا ہے. جب پتہ نہیں چلتا اس کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ اس کے بزرگوں نے کچھ طریقے ایجاد کیے ہیں. امیر کرال کبڈی کھلاتے تھے کہ کبڈی کھیلو. جب لوگ کبڈی کھیلتے دل کی دھڑکنیں ابھرتی, پھر کہتے کبڈی کو چھوڑو اب اس کے ساتھ اللہ نہ ملاؤ. تو سیون شریف والے وہ دمال کراتے نچاتے ناچو, وہ آج تک لوگ ناچتے ہیں وہاں دیکھا ہوگا, خوب ناچتے. جب دل کی دھڑکنیں ابھرتی کہتے اب اس کو چھوڑو اب اس کے ساتھ اللہ نہ ملاؤ. اب یہ چیزیں ذرا اس زمانے میں معیوب سمجھی جاتی ہیں. ایک اور طریقہ ہے جس پہ ہر کوئی راضی ہے, جہاں یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے یا اکیلے یہ ضربیں لگائیں اللہ اللہ, گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگائیں گے نا تو دل کی دھڑکنیں ابھریں گی, پھر ان دھڑکوں کے ساتھ اللہ ملا. یہ جو ضربیں ہیں نا اس لیے ضروری ہیں کہ دل کی دھڑکنیں کو ابھارنے کے لیے. لیکن جب دل کی دھڑکنیں ابھر جائیں پھر وہ تمہاری مخلوقیں بیدار ہو جائیں تو پھر وہ اگر اللہ نہ کرنا شروع کر دیں تو پھر تم ضربیں لگاؤ یا نہیں لگاؤ. پھر اگر ضربیں لگاؤ گے تو دوسروں کے لیے, اپنے کو تمہیں ضربیں لگانے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ تمہارے اندر اب اللہ اللہ شروع ہو گیا. تو یہ جو تمہاری نماز ہے اس کے ہم منعرف نہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ نماز وہ ہو جو عرب تک جائے. ہماری نمازیں سیدھی آٹے میں چلی جاتی ہیں, کاروبار میں چلی جاتی ہیں, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے تھی نا, یہ کاروبار میں چلے گی آٹے میں چلی گی؟ کیونکہ جدھر دھیان ہوتا ہے نا ادھر ہی نماز جاتی ہے نا. بھائی رائفل ہے جدھر اس کو دھیان رکھو گے گولی ادھر ہی جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھوں سے کوئی کام کر مجھے اعتراض نہیں ہے, آنکھوں سے مخلوق کا نظارہ, زبان سے نعمتیں کھا مجھے کیا اعتراض ہے, ٹانگوں سے ادھر جا دبئی جا بزے بھی جا شار جائے مجھے کیا اعتراض ہے, لیکن ایک چیز میرے لیے چھوڑ دینا وہ چھوٹا سا دل. اگر تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا لیا تیرا میرا پھر تعلق ہی ختم ہو گیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے کام کرو کاج کرو شادیاں کرو کھاؤ پیو سب, لیکن اس دل کو اللہ کی طرف لگا دو. خالی جو ٹک ٹک کر رہا ہے ٹک ٹک تو کر رہا ہے نا, تو بجائے ٹک ٹک اللہ اللہ کرتا رہے تب کیا رہے, صرف اتنا حرج ہو جائے گا. آپ جو تم حرام کھا لیتے ہو
फिर ये आराम नहीं खाने देगा, कहेगा गलत, फिर ये तुम्हें बुराइयों से रोकेगा। आप रोकने वाली तुम्हारे अंदर कोई चीज़ नहीं है, जो चीज़ आती है कर लेते हो, उस वक्त रुकावट हो जाएगी ना, और वो रुकावट तुम्हारे लिए बेहतरी। अभी तुम हराम कमाओगे तो डॉक्टर ले जाएंगे ना, मुकदमे में चला जाएगा ना, तो फिर हलाल कमाओगे ना डॉक्टर होगा ना मुकदमा होगा। कोई और बात जी? यहाँ का तो बात ये है कि आपने जिक्र जो दिया है, सुना है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुर्शिद के बगैर जो जिक्र जो है ना नहीं कर सकते, जब सही कहते हैं पीछे हाथ, सही कहते हैं ना, जब तक हमने आपकी बैत नहीं की, आपको मुर्शिद नहीं मानना, आपको दर्शन के लिए ज्यादत के लिए हम आए, तो कैसे जिक्र कर सकते? देखें ना, बगैर मुर्शिद के फैज़ नहीं होता। मुर्शिद वो हो जिसका तल्लक अल्लाह से हो, उसी से फैज़ होगा ना। अगर आपको बगैर बैत के फैज़ होना शुरू हो गया, इसका मतलब है आप कहीं से वाबस्ता हो। क्यों जी? चलो जहरी में नहीं हुए, बातन में तो हो गए ना। फिर आप ऐसा करना, आप उंगली को कलम ख्याल करना कि मैं अपने दिल पे अल्लाह लिख रहा हूँ। अगर आपका कोई मुर्शिद है, उसका चेहरा सामने लाना कि वो मेरे दिल पे अल्लाह लिख रहा है। अगर मुर्शिद नहीं है तो जिस दरबार से आपको मोहब्बत है उसी को ले आना है, वो दरबार वाला अल्लाह लिख रहा है। अगर दरबार वाले से भी मोहब्बत नहीं है तो हजूर पाक के रोज़े को ही ले आना। क्यों जी? कि हजूर पाक की तरफ से मुझे फैज़ हो, उस वक्त जिसका भी चेहरा या जिसका भी रोज़ा तुम्हारे सामने आ गए वही तुम्हारा मुर्शिद हो गया। शख्सियत को पाना मकसद नहीं, मकसद तो अल्लाह को पाना है ना। क्यों जी? जो इससे कठिन मरला तुम्हारे लिए और कौन आएगा कि तुम्हारा वीज़ा लगने वाला है अल्लाह के लिए, तो इससे बड़ा कठिन मरला तुम्हारे लिए कौन सा है? जो भी सिफारिश है अब चाहिए ना तुम्हें को, तो भाई अब यहाँ अल्लाह लिख रहे हो। अल्लाह जब लिखा गया, मोर पुलिस ही पुलिस वाला अल्लाह लिखा गया, अल्लाह वाला। इसके लिए हम तुमको बैत वैत नहीं करते हैं, ये तुमको तरीका बताते हैं, तो जो तुमको चाहेगा। अगर किसी ने भी नहीं चाह, अल्लाह ने चाह लिया, तो वो अल्लाह ही उसका चेहरा तुम्हारे सामने कर देगा। तो ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तब हम ऐसी बातें करते हैं ना, वरना वाकई बगैर बैत के फैज नहीं होता। लेकिन सोचे ना, अगर फैज है तो कहीं से बैत हो ही गया ना। मकसद फैज से है। मकसद फैज है, बैत से मकसद नहीं। अगर आप हजार जगह बैत कर लें लेकिन फैज नहीं है तो बेकार है। अगर आपको ख्वाब में ही फैज हो गया तो हजार पीरों से बेहतर। बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हो गए हैं जिनको पीरों मुर्शिद जहर में नहीं थे, अबू बकर हवारी डाकू थे, वो डाका डालने के लिए गए, मुड़ के आए तो वली बन गए ना। हजरत अबू बकर हवारी ने ख्वाब में उनको बैत किया ना, वो गौस पाक घर में एक चोर चला गया, चोरी करने के लिए गया था ना, बैत होने के लिए नहीं गया था ना, चोरी के लिए गया था ना, मुड़ के खुतब बन गया ना। तुम बैत के लिए नहीं आए ना, देखने के लिए आए ना, हो सकता है मुड़ के जाके जाकर कलमी बन जाओ। तरह सवाल बैत का, अब एक बैत होती है जो जिस्म से बैत होती है, तुम्हारे जिस्म को बैत कर लिया। अगर तुम्हारा दिल मुनाफिक हो गया तो तुम्हारी बैत तो टूट गई। भाई तुम्हारे दिल ने नहीं माना, किसी वक्त भी नहीं माना, तुम्हारी बैत तो टूट गई ना। एक बैत होती है जिस्म को बैत नहीं करते हैं, वो जो जिस्म के अंदर की चीज़ें हैं ना उनको मसीहा करते हैं ना, उनको जगाते हैं। जब वो जागती हैं तो फिर वो जवान हो जाती हैं, तो फिर उनका मुर्शिद कौन है जहाँ से उनको जिंदगी मिली? फिर भाई जहाँ से उनको ज़िंदगी मिली उनका मुर्शिद तो वही है ना। तो फिर तुम कहना मैंने अपने मुर्शिद के पास जाना, वो कहेंगे मैंने अपने मुर्शिद के पास जाना। तो बात किसकी चलेगी? अंदर पर बात चलेगी। इस वक्त हम खुद इस चीज़ के कायल हैं, कहीं से बैत ना हो। अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो बैत ना हो। पहले कसवटी हो तुम्हारे अंदर, पहले जौहरी बनो, फिर सोना खरीदने के लिए निकलो।
ورنہ مصنوعی جڑا سونا نا اس میں آب و تاب زیادہ ہوتی ہے. اب تم جوہری کیسے بنو گے؟ چور کو چور پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے. یقین کرو، ایک چور پنڈی کا وہاں بٹھا دو، ایک لاہور کا وہاں بٹھا دو، آپس میں جانتے نہیں ہیں لیکن ان کی نظریں ٹکرائیں گی، وہ سمجھے گا کہ میرے کو پائیے نظر سمجھے گا. جب تمہارے دل میں اللہ آ جائے گا نا، اب تمہارے دل میں اللہ شروع ہو گیا نا، تھوڑا سا نور آ گیا نا، پھر تم داتا صاحب چلے جانا، یہاں بھی نور وہاں بھی نور، آپس میں ٹکرائیں گے، رکت پیدا ہو جائے گی نا، سمجھ جاؤ گے کہ ولی کا عمل ہے. سلطان صاحب پہ چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، رکت پیدا ہو جائے گی نا. پھر اگر تمہارا مرشد ہے تو اس کے پاس چلے جانا، اگر وہاں بھی جا کے اسی طرح ہوتا ہے تو پھر وہ کامل ہی ہے نا. ورنہ پھر جب تم کو طلب ہوگی تو پھر جس کے سامنے جا کے داتا صاحب والی بات ہوئی وہاں جا کے بات ہو جانا، پھر وہ کامل ہی ہے، تب تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے نا، یہ تمہارے لیے کسوٹی ہے نا. تو اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں سمجھے؟ جب تک یہ تمہارے دل کی دھڑکنیں ابھرتی نہیں، جب تک تم جوہری بنتے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر جب تم کو کوئی بھی بہتر نظر آیا، تم نے اللہ کو پانا، تم ان سے وابستہ ہو جانا. بس جب تم اللہ والے سے وابستہ ہو گئے تو ہماری محنت پوری ہو گئی نا. اور کوئی بات جی؟ تسلی کر لو، قسمت کے میلے پتہ نہیں آئے یہ نہیں آئے گے، ابھی بھی دو تین گھنٹے کے لیے آئے ہم. واپسی کر رہے ہیں اتوار کو. یہاں کہاں پہ آئے ہیں؟ شہریہ میں. ان کو پتا ہوگا. بس جی، پھر دعا مانگو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. یا الہ رحم، یا الہ رحم، یا الہ ان کے سینوں پہ رحم، ان کے دلوں پہ رحم، یا الہ اس ملک پہ رحم، یا الہ ان کو اپنی دوستی عطا کر، ان کے سینے منور فرما، ان کو امت میں داخل کر. اللہم انت اسلام ان کا صلی اللہ علیہ وسلم و رحمہ دار اسلام تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذل جلال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.